आइए हम यहां पर देखते हैं हेलियोडोरस, जो कि सुंग डायनेस्टी से रिलेशन रखते हैं। उज्जैन में सुंग डायनेस्टी, तो ये इंडो ग्रीक एम्बेसडर थे, जो ग्रीक एम्बेसडर बोला जा सकता है, जो भागभद्र जो कि सुंग डायनेस्टी के किंग थे, इनको एंटियालिसी डांस ने भेजा था, इंडो ग्रीक किंग ऑफ तक्षशिला। तो तक्षशिला के जो इंडो ग्रीक थे 113 में बीसी में इनको भेजा गया था, 113 बीसी में। तो इनको इन्होंने एक प्लेयर बनाया था जिसको खंबा बाबा बोलते हैं, हेलियोडोरस पिलर बोलते हैं, जो कि विदिशा में सिचुएटेड है, विदिशा नियर भोपाल। तो ये एक एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर, एंटालियासिड ने इनको भेजा था भागभद्र में। तो हेलियोडोरस जो है हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए थे, और हिंदुइज्म में विष्णु भगवान को इन्होंने ये पिलर समर्पित किया था। दिस गरुड़ा कॉलम, तो इस पिलर पे लिखा हुआ है, दिस गरुड़ा कॉलम ऑफ वासुदेव विष्णु, गॉड ऑफ गॉडेस ऑफ गॉड्स, गॉड ऑफ गॉड्स इरेक्टेड बाय, इसको बनवाया है हेलियोडोरस ने। और वॉरशिपर हैं हेलियोडोरस, विष्णु के बेटे हैं डियोन के, और यहां रहने वाले हैं तक्षशिला के, और यहां पर एक ग्रीक एम्बेसडर के रूप में आए हैं, एम्बेसडर टू भागभद्र। एंटालिया डास ने इनको भेजा है, जो कि ग्रीक हैं, तक्षशिला के राजा हैं। यहां पर यह लिखा गया है कि थ्री इंपॉर्टेंट परसेप्ट्स, जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हेवन का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता मिलेगा आपको, सेल्फ रेस्ट्रेन, चैरिटी, ये तीन रास्ते से आपको स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। एंड कंसाइंटियसनेस, तो ये यहां पर पिलर है, इसको आप देख सकते हैं, विदिशा में सिचुएटेड है, ये हेलियोडोरस ने बनवाया था, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए थे।